Good morning, class 4. Today I am going to explain chapter 4, Before the Match. This story is about Swaminathan who tries his best to escape the evening drill practice to prepare himself for the upcoming match. यह कहानी स्वामीनाथन के बारे में है जो कि शाम स्कूल के शाम के प्रैक्टिस को छोड़कर वो मैच का प्रैक्टिस करना चाहता है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. द मैच वॉज टू बी प्लेड ऑन संडे आफ्टर 2 weeks. यह मैच संडे को खेलना था जो कि 2 हफ्ते के बाद होना है. राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ हिज ऑफ माइंड. राजम नाम का एक जो खिलाड़ी है वो अपना पूरा धैर्य खो चुका है. ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड थ्रैश द YMU यंग मेंस यूनियन. उसे ये कॉन्फिडेंट है कि वो थ्रैश मीन्स मीनिंग एयर विक्ट्री कि वो यंग मेंस यूनियन को हरा देगा, डिफीट कर देगा, बीट कर देगा. ही हिमसेल्फ कुड बी डिपेंडेड ऑन नॉट टू लेट डाउन द टीम. वो किसी भी दूसरे खिलाड़ी पर, अपने टीम के खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता. वो अपने आप, उनके पास जो खेलने का जो क्षमता है उस पर वो अपने आप पर भरोसा है कि मैं मैच को किसी भी स्तर से टर्न कर सकता हूँ और अपने टीम को जिता सकता हूँ. मनी वॉज स्टडी. मनी जो है अभी लाइव में नहीं है. इवन इफ अनइम्प्रेसिव, वो अनइम्प्रेसिव है. उसकी जो भी खेल है वो उतना इफेक्टिव नहीं है. ही कुड बी डिपेंडेड अपॉन टू स्टॉप एनी बॉल विथ हिज हेड इफ नेसेसरी. वो किसी तरह से बॉल को अभी रोक सकता है यदि वो जरूरत हो तो. अपनी हेड से रोकने की बात की जा रही है इसमें. हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड. लेकिन उसकी बैटिंग उतनी भी खराब नहीं है. देर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज्ड हिम द डीपीएस एंग्जायटी डे एंड नाइट. सिर्फ एक खिलाड़ी की चिंता है, एंग्जायटी ANXIETY. एंग्जायटी का अर्थ होता है बाबू चिंता, वरी होना. डे एंड नाइट उसके बारे में, उस टीम को थोड़ा सा चिंतित हो रहा है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है. ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क और माइकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पूरे टीम का दारोमदार उस पर है. ही वॉज द टेट ऑफ द टीम. टेट मीन्स अ इंग्लिश बॉलर हु बॉल वे. एक टेट मीन्स हियर एक इंग्लिश बॉलर का नाम है जो कि वो अच्छा बॉलिंग करता था. एंड ही मस्ट बॉल आउट ऑफ द 11 ऑफ द अदर टीम. किसी भी दूसरे टीम के 11 प्लेयर को आउट कर सकता है, उतनी उसके पास क्षमता है. बट ही लुक्ड अनसर्टेन. लेकिन उसकी टीम में खेलना अनसर्टेन है. अनसर्टेन मीन्स संभावित नहीं है. इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ. लेकिन अभी मैच में फोर्टनाइट बाकी है. ही डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस. यहाँ तक कि वो खिलाड़ी अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. हु डू यू थिंक इज ही. आपको क्या लगता है किसके बारे में बात की जा रही है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और किसी भी दूसरे टीम के 11 प्लेयर को आउट कर सकता है. उसका नाम है स्वामी. राजम प्लीडेड. राजम रिक्वेस्ट करता है स्वामी से, स्वामीनाथन से, प्लीज़ डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट एन आवर प्रैक्टिस इन द इवनिंग. कम से कम आप शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए. सडनली राजम, इफ यू कैन सजेस्ट अवे. ये तरीका ठीक है, आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मैं इसके एग्री हूँ. व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर डैट. आप हेडमास्टर से क्यों नहीं कहते. ओह नो नो, स्वामीनाथन क्राइड. स्वामीनाथन इस तरह से चिल्लाते हुए कहते हैं, ओह नो नो, उससे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं. स्ट्रिक्ट हैं. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन. मैं आपके सजेशन के लिए ग्रेटफुल हूँ. बट लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन. लेकिन मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ. आई डोंट केयर. मुझे कोई परवाह नहीं है. व्हाट आई वांट इज दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस. मुझे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है. राजम कह रहा है स्वामी से, लेकिन मुझे ये पता है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि मुझे मेरे टीम को जिताना है, अपने टीम को किसी भी स्तर से जिताना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना. इफ़ यू गिव एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स. यदि कोई भी दूसरी टीम के खिलाड़ी 5 मिनट से ज़्यादा पिच पर रहते हैं, आई विल नेवर सी योर फेस अगेन. मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देख पाऊंगा. जस्ट 7 डेज बिफोर द मैच, 7 दिन बचा हुआ है. स्वामीनाथन रियलाइज दैट इज इवनिंग वेयर मोर प्रीवियस देन एवर. अब स्वामीनाथन को रियलाइज हो रहा है कि उसकी जो इवनिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल है, उसे प्रीशियस है. अब उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, स्वामीनाथन इवनिंग बिकेम मोर प्रीशियस देन एवर. आपको क्या लगता है, आप स्वामीनाथन को इस तरह क्यों महसूस हो रहा है कि उसकी जो शाम का टाइम है प्रैक्टिस का वो ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, प्रीशियस है. एज सून एज द इवनिंग बेल रैंग, जैसे कि स्कूल का बेल लगती है, ही लाइन अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड. वो दूसरे बच्चों से अलग खड़े हो जाता है. बट कंट्रेरी टू द कस्टम, ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप. जो कस्टम होती है, जो रूल रेगुलेशन होता है,
ड्रिल का उसको फॉलो नहीं करता है, टेकन ऑफ हिज कोट एंड अ कैप, ऑल द अदर्स वेयर इन द दियर शर्ट, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शर्ट्स विद दियर धोती टक्ड अप, वो धोती और शर्ट्स में होता है। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, ड्रिल मास्टर वहाँ आता है, रुक जाता है, लुक अप एंड डाउन, उसे ऊपर नीचे देखता है एंड पास ऑन मटरिंग बढ़ाते हुए कहता है, डोंट गेट लिव, तुमने गया नहीं, कोट एंड कैप ऑफ, चलो कोट और कैप ऑफ करो, अभी तक तुमने कोट और कैप पहने हुए हो, ये तो ड्रिल का रूल नहीं है। स्वामीनाथन बिकेम डिस्परेट एंड पर्सुएडेड हिम, सर आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, वो सर से रिक्वेस्ट करता है कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम, माय आई एम नॉट वेल, माय हेल्थ इज नॉट वेल राइट नाउ, आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, माय ड्रिल में प्रैक्टिस में सेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता हूँ, अटेंड नहीं हो सकता हूँ, आई सेड दैट इफ आई डू, अगर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉगिंग हिम, ही टर्न्ड अराउंड ऑन स्वामीनाथन विद अ फियर्स एक्सप्रेशन, वो गुस्से से उसकी ओर देखता है, व्हाट इज द मैटर, तुम्हारी आखिर बात क्या है, सर द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डिलीरियस, कहता है कि सर मैं पूरी रात डिलीरियस से अफेक्टेड था। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टंट टू द पीस ऑफ न्यूज, ये बात सुनकर वो अचंभित हो जाता है, यू वेयर डिलीरियस, तुम डिलीरियस से अफेक्टेड थे, आई डिडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, सर मैंने पूरी रात थोड़ा भी नहीं सोया, आई वॉज डिलीरियस, मैं डिलीरियस था, मैं अफेक्टेड था, मैं वेल नहीं, आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट, आवर डॉक्टर सेड सो, हमारे डॉक्टर कहे हैं, ही हैज आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम, कहते हैं एक सप्ताह कम से कम, आने वाले सप्ताह तुम प्रैक्टिस में नहीं जाओ, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट, मुझे विश्वास नहीं है, तुम बाहर जाओ। एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली, राजा जंप्ड विद जॉय, जब वो उसे बाहर कर दिया जाता है तो वो शाम के प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो राजम जब देखता है स्वामीनाथन को मैदान में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए आया है, वो खुश हो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग ऑफ द वीक, उस शाम को फ्री हो जाता है और साथ में चाहता है कि एक सप्ताह जो है वो सभी शाम को वो प्रैक्टिस में जाए, क्रिकेट खेलने के लिए जाए, बट नॉट वो इवनिंग प्रैक्टिस, स्कूल का इवनिंग ड्रिल और प्रैक्टिस में जाएगा, एक्सरसाइज में जाएगा। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग, अगली सुबह 7:30 हो रहा होता है, एंड ही स्टिल हैड 2.5 hours बिफोर ही फॉर द स्कूल, वो स्कूल के बाहर लगभग 2.5 hours खड़े होते हैं। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो किसी तरह रात को सो पाता है। ही स्टूड बिफोर अ शॉप इन फ्रंट ऑफ विच हंग द बोर्ड, वो एक दुकान के पास खड़ा होता है जहाँ एक बोर्ड लगी होती है, डॉक्टर के केशवन एल एम एन एस श्रीवास्तव कृष्णा श्री डिस्पेंसरी, एक डॉक्टर है जिसमें जिसका बोर्ड लगा हुआ है उसके दुकान के सामने, टी केशवन एल एम एन एस श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। स्वामीनाथन फाउंड दैट, स्वामीनाथन देखता है कि वो द डॉक्टर वॉज एलोन एंड फ्री, डॉक्टर उस टाइम एलोन है, अकेला है और फ्री है, कोई नहीं है, इंटर द स्टॉप वो दुकान में प्रवेश होता है, हेलो स्वामीनाथन व्हाट इज द मैटर, डॉक्टर जब उसको स्वामीनाथन को देखता है तो कहता है कि क्या बात है डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली, मुझे वेज सर्टिफिकेट की जरूरत है, व्हाट इज द मैटर विद यू, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आई विल टेल यू द ट्रूथ, डॉक्टर कहता है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मेन्स यूनियन, मुझे यंग मेन्स यूनियन के खिलाफ एक मैच खेलनी है, अगेंस्ट मैच खेलनी है, आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एवरी इवनिंग देयर इज अ ड्रिल क्लास स्पॉटिंग सम पीरियड और द अदर, लेकिन शाम को जो हमारे स्कूल का अकॉर्डिंग टू करिकुलम है उसमें हमको स्पॉटिंग और प्रैक्टिस और ड्रिल के लिए जाना होता है। If you could give me your certificate asking them and let me know at 4:30 PM, मुझे आप 4:30 में छुटकारा दिलवा देंगे, it would help the MCC मालगोडी क्रिकेट क्लब टू विन द मैच, इससे कि मालगोडी क्रिकेट क्लब मैच जीत सकता है यदि मैं प्रैक्टिस करूँ तो यह बेनिफिट होगा। If you could give me your certificate asking them टू लेट मी ऑफ 4:30 PM यू टू हेल्प द MCC टू विन द मैच, इससे मैच जीतने में सुविधा होगी, वेल आई कुड डू इट, अच्छा है मैं कर सकता हूँ, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, लेकिन तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, स्वामीनाथन टू हाफ अ सेकेंड टू फाइंड आंसर, उसके लिए कुछ सोचा आंसर सोचा, सर्टेनली आई एम रेडी टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डिलीरियम, सर आई हैव अफेक्टेड फ्रॉम डिलीरियम, इज इट राइट ऑन स्वामीनाथन पार्ट ऑफ आस्क फॉर द फॉल्स सर्टिफिकेट, क्या ये सही है कि जब वो फॉल्स सर्टिफिकेट मांग रहा है, व्हाई डिड यू से डिलीरियम, क्या तुम डिलीरियम का अर्थ जानते हो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिलीरियम, तुम डिलीरियम से क्या जानते हो, आई कांट से एग्जैक्टली बट
रिजल्ट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एज, मुझे कुछ पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ स्टमक प्रॉब्लम एज है ये मुझे पता है। द डॉक्टर लाफ्टिंग अ ग्रेट फिट ऑफ कफी ट्रीटमेंट टू चॉक ऑफ, वो बहुत ज़्यादा हंसे। आफ्टर दैट द विंडो स्वामीनाथन अंडर द आई एग्जामिन हिज टंग टैप हिज चेस्ट एंड क्लियर हिम टू द पिंक ऑफ द हेड, जब उसे पूरी तरह से चेक किया तो उसे वो बताया कि आप पूरी तरह से सही हो, ठीक हो, आप यू हैव नो एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। दिस ही देन टोल्ड हिम इट वुड डू वे टू सी टू हिज ड्रीम इफ ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ डिलीरियम, वो उसे कहता है कि ये सही बात नहीं है, तुम छुटकारा पाते हो अपने गेट रिड ऑफ डिलीरियम, यदि तुम डिलीरियम से छुटकारा पाते हो। इफ द एवर पैराग्राफ द वर्ड स्टिक विद अ वुडन पीस कंटिन्यू विद अ ग्रोथ, एक वुडन यहाँ स्टिक का मीनिंग दिया है वुडन पीस है छोटा टुकड़ा लकड़ी का। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग फ्री, स्वामीनाथन फिर से वो अपने डॉक्टर को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे शाम का प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे आप किसी तरह से अपने हेडमास्टर से और स्कूल के करिकुलम जो 7:30 और शाम को जो प्रैक्टिस होता है उससे मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। बट द डॉक्टर सेड इट इज ऑल वेरी वेल, अभी तो सब कुछ अच्छा है, बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट, अगर मैं फॉल्स सर्टिफिकेट दिया तो मेरी जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर की वो बर्खास्त हो जाएगी, मैं मुझे कोर्ट में जाना होगा, मुझ पर केस हो जाएगी। हु इज गोइंग टू फाइंड इट और डॉक्टर कहता है कि किसी दूसरे डॉक्टर को जो डू यू वांट और एमएससी जो लॉ ऑफ मैथ्स, वो कहता है कि क्या आप एमएससी को मैच हारते हुए देखना चाहते हैं। डॉक्टर को स्वामीनाथन फिर से कहता है आई विश यू ऑल द सक्सेस, डॉक्टर कहते नहीं मैं अच्छा करता हूँ, मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि तुम्हारी टीम और तुम जीतो मैच, डोंट वरी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट, लेकिन मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ। इट मीन्स डैट डॉक्टर कहता है मैं किसी भी कीमत पर एनी कॉस्ट आई कांट गिव यू अ फॉल्स सर्टिफिकेट, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30, लेकिन मैं तुम्हारे हेड मास्टर से ये रिक्वेस्ट निवेदन कर सकता हूँ कि तुम्हें 4:30 तक लीव दे दें, छुट्टी दे दें, जिससे कि तुम शाम का प्रैक्टिस करो और फिर अपने टीम को मैच जिताने में सहयोग करो। डैट विल डू, यही होगा, यही करना होगा। यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर, वो कहता है कि सर आप बहुत दयालु हैं। इस चैप्टर का जो हम लोग सीख मिलती है और इस बेस्ट पॉलिसी किसी भी स्टूडेंट को हमें ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओनली देयर थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन एच पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 4 एट पेज नंबर 31 टर्न एंड जस्ट चेक व्हाट डज वाई एम यू स्टैंड फॉर, इट मीन्स डैट आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई एम यू, हियर्स Young Men's Union is the right answer, is that option number C. Question number 2, Swami said to the drill master in the ground that option A, he was in a terrible state of health. Iska question ka arth hua ki Swami said to the drill master in the ground that स्वामी ने ड्रिल मास्टर को ग्राउंड में क्या कहा, ही वॉज इन द टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, यस ये कहा था, ही वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द ड्रिल, यस ये भी कहा था, कहते कि सर इफ आई विल डू देन आई विल डाई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो इट मीन्स डैट सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर, सो सी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एमसीसी स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए मालगुडी क्रिकेट क्लब, बी मेल्स क्रिकेट क्लब, सी मालगुडी कोचिंग सेंटर, सो स्टूडेंट जस्ट वी हैव स्टडी थ्रू दिस स्टडी ऑप्शन नंबर ए मालगुडी क्रिकेट क्लब, सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सो स्टूडेंट दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड जस्ट आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर, सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टडी, ओके दैट्स ऑल, टेक केयर।